हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में जो है हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो मैटर है उसको हमने टू वे से क्लासिफाई किया था। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं भाई हम यहाँ पे, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर क्लासिफाइड थ्री स्टेट्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस। देखिए, ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर रहेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड। अपने नाइन्थ क्लास में जो है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर ये पढ़ी होंगी, पर बच्चे क्या करते हैं नाइन्थ और इलेवेंथ को तो बहुत ईजी वे में लेते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं रखते कि ऐसा था क्या वहां पे। तो देखिए, कोई नहीं, आपने नहीं पढ़ा हो, मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट इट इज डिफाइंड एज दो सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनके शेप भी डेफिनेट रहेगी और वॉल्यूम भी डेफिनेट रहेगा, ये हम जो इसका फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, those substances which have strong force of attraction between particles। देखिए, इस जो सॉलिड स्टेट रहेगी उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होंगे वो काफी स्ट्रांग होंगे। थर्ड वन ये नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट विल बी सॉलिड स्टेट आर आप यहाँ पे सॉलिड स्टेट भी यूज कर सकते हैं, दीज आर रिजिड। अब रिजिड क्या होता है, यानी कि जो इजली फ्लो ना कर सके, समझ रहे ना, जैसे लिक्विड को अगर आप डालते हैं तो वो फ्लो कर जाता है, जबकि सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। आप चेयर को ऊपर से डालिए और टूट ही जाएगी, बट वो फ्लो नहीं करेगी, समझ रहे ना, क्या होती है वो, रिजिड होती है, इसलिए। क्लियर? अब देखिए फोर्थ वन, दीज सब्सटेंसेस हैव सिमेट्री। अब देखिए, ये पॉइंट नहीं पता भैया, ये सिमेट्री क्या होता है ना।
पॉइंट समझ में यहाँ नहीं आ रहा कि अभी सिमेट्री क्या होता है। देखिए सॉलिड स्टेट, जब भी आप किसी भी सॉलिड स्टेट का एग्जांपल ले लीजिए, जब भी आप उसको टू हाफ्स में डिवाइड करते हो, इक्वली डिवाइड करते हो, तो वन जो है सेकंड के मिरर इमेज होती है। यानी कि दोनों ही पोर्शन जो है, अगर एक रेक्टेंगुलर शेप में कटा है तो दूसरा भी रेक्टेंगुलर शेप में ही कटा है। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, टू हाफ्स कर लेते हैं, दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के सुप्रीम पॉसिबल रहेंगे, यानी कि मिरर इमेज होंगे दोनों को दोनों। अगर देखो हम बोलते हैं ऐसे कि अगर आपने ये कोई सॉलिड है, इसको कट किया, बीच में से कट किया, ये और ये दोनों एक जैसे ही तो शेप दिखाई दे रही है, ये थंब है, दोनों एक दूसरे के सामने है, ये फिंगर है, ये भी इसके सामने है, ये फिंगर भी इसके सामने है, ये फिंगर भी इसके सामने रहेगी और ये फिंगर भी इसके सामने रहेगी। यानी कि एक अच्छी सिमेट्री से कट कर पाओगे आप। अगर टेबल को आप टू हाफ्स में डिवाइड करते हो तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं रहेंगे, एक अच्छी सिमेट्री रहेगी ना उसके अंदर। देखो सिमेट्री का मतलब ये होगा कि स्मूथ सरफेस से इजीली आप उनको कट कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली आप उनको कट कर रहे हो। रैंडमली जो कट करते हैं उनको भी हमारे पास सॉलिड बोलते हैं। हम आगे जब सॉलिड स्टेट करेंगे अभी 11th क्लास में, वहां पे आपको इन डिटेल बताऊंगी मैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और हमारे पास सॉलिड क्या होती है, क्योंकि सॉलिड के भी आगे पार्ट्स होते हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो देखिए इस नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, दीज पार्टिकल्स टाइटली बॉन्डेड विद ईच अदर, दिस इट्स इंडिविजुअल, इट्स पार्टिकल टाइटली बॉन्डेड विद ईच अदर। देखिए अगर मैं एटम की बात करती हूँ तो एटम जो है वो क्या होते हैं, एक बॉल की तरह होते हैं। तो इसके पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे के साथ में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, यानी कि इनके बीच में फोर्सेज जो होते हैं वो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए क्या रहते हैं ये टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। ऐसे एक सिमेट्री होती है। देखो ये अगर मैंने एक सॉलिड बनाया, इसको टू हाफ्स में आप जब आप कट करोगे तो एक दूसरे के इक्वली दिखेंगे, यानी कि स्मूथ सरफेस से आप इसको कट कर पाओगे, ये सिमेट्री हो गई। और ये टाइटली बॉन्डेड क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपके सामने लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।